मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि नव्या रागनी से बात कर रही रहती है, जिसमें रागनी उसे बताती है कि उसने कुछ चीज़ों को ढूंढा है। तो उसमें वो फ़ोटो दिखाती है अली की और कहती है कि यही अली है ना। तो जिसमें नव्या कहती है अली को आज तक किसी ने नहीं देखा है रागनी, और अली कैसा दिखता है, क्या करता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जहाँ पर अली को पाया गया है तो वो कभी इस रूप में दिखा है तो कभी उस रूप में दिखा है। वो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं जानता है। जिसमें रागनी बोलती है कि अगर नव्या मैम, अगर ऐसा होगा तो हम कैसे उसे मार पाएंगे। जिसमें नव्या कहती है मारना तो है उसे, अब किस तरीके से मारना है ये बात बहुत बड़ी है। पर कहते हैं ना कि जब अगर किसी का शिकार करना होता है तो बाहर से तो शिकार होता नहीं है, जंगल में घुसकर ही शिकार किया जाता है। तो जंगल में घुस के उसका शिकार करना होगा, और वो और कोई नहीं, हमारी आलिया करेगी। पर तभी कहते हैं आलिया मैम कैसे करेंगी। तो कहते सब कुछ हो जाएगा मैनेज, पर वहाँ जाके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बेस पे मैं प्लान्स तो नहीं बना सकती हूँ ना, तो वहाँ जाकर ही हमें पता चलेगा। जिस पे रागनी उनके सर हिलाती है और कहती है, तभी रागनी को वो ये कहते हैं कि जाओ, अगर अयान तुमसे रूठा है तो तुम्हें अयान को मनाना पड़ेगा। जिसमें रागनी कह देती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। अब उसके आगे रागनी ऐसे भागते हुए अयान के पास जाती है। अयान जो रहता है वो बहुत गुस्से में बैठा रहता है, और वहाँ पर उसके पास जो प्लांट्स रहते हैं उस प्लांट्स में से कुछ जो अनवांटेड ग्रास रहती है वो उसको तोड़ तोड़ के फेंक रहा रहता है। तभी रागनी उसके बाजू में आकर बैठती है और कहती है कि अनवांटेड लोगों को फेंको ना अपनी ज़िंदगी से, ग्रास को फेंक कर क्या होगा। तो वो एकदम से देखता है, कहता है मेरी ज़िंदगी में अनवांटेड लोग नहीं है। तो रागनी कहती है मैं हूँ ना जो तुम्हें हर्ट करता है, जो तुम्हें परेशान करता है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से हटाओ। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट मी फ्रॉम योर लाइफ, तभी जाके तो तुम खुश रह पाओगे। अब देखो मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान कर दिया और तुम रूठ गए हो। आई एम नॉट अ गुड पर्सन एंड राइट पर्सन फॉर यू, तो तुम मुझे अपनी लाइफ से हटाओ। बेचारे सारा गुस्सा इन पे मत निकालो, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ। यस यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, बट लगता है कि मैं तुम्हें उतना खुश नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए मुझे ही चले जाना चाहिए। ऐसे कह के रागनी वहाँ से उठ के चले जाता है। तभी अयान उसका हाथ पकड़ के बोलता है ये सब बकवास क्यों कर रही हो और किसने बोला। तो रागनी उसके पास आकर बोलती है अयान, जिस रिलेशनशिप में तुम खुश नहीं हो उस रिलेशनशिप में रहकर क्या फ़ायदा, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, तो फिर मतलब ही क्या है मेरे साथ रहकर। अगर मैं तुम्हारा ध्यान रख पाती, तुम्हें खुश रख पाती तो शायद तुम रहते तो अच्छा रहता, बट आई थिंक कि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रखती हूँ। इट्स ओके फाइन, मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए। जिसमें अयान एकदम से बोलता है तुम क्या पीकर आई हो और आज कुछ नशे में हो क्या, कुछ भी बोले जा रही हो। आई लव यू और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। हाँ तुम्हारी थोड़ी बात बुरी लगी थी, पर किस रिलेशनशिप में थोड़ी बात बुरी नहीं लगती है, अप्स एंड डाउन तो हर रिलेशन में होते हैं यार। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम फटाक से जाने की बात कर दो, ये तो बहुत गलत है ना। तो रागनी बोलती है पर तुम मेरे साथ हैप्पी भी तो नहीं हो। तभी अयान कहता है नहीं, किसने बोला, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू एंड आई लव टू स्पेंड अ टाइम विथ यू एंड यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। और ऐसे कह के वो उसे हक कर लेता है। रागनी स्माइल करने लगती है और रागनी उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है अयान तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बस जिस तरीके से मैंने गुस्ताखी की उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। शायद मेरे बोलने का तरीका कुछ और था और मैंने बोल कुछ और दिया। समटाइम हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपने बातों से कैसे किसी को हर्ट कर देते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी बट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम सॉरी। तो तभी अयान कहता है फिर तुम अगर ऐसे मुझे इम्पॉर्टेंट बोल रही हो तो फिर छोड़ के जाने की बात क्यों कर रही थी। तभी रागनी हंसते हुए बोलती ये तो मेरी ट्रिक थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सिंपल से मनाती तो तुम ज़्यादा भाव खाते, और मेरे ही कप ऑफ टी नहीं है कि कोई भाव खाए और मैं उसे मनाती फिरूँ। एंड सॉरी मुझे किसी को मनाना नहीं आता, बट ये ट्रिक पता है कि जब आप सामने वाले से दूर होने की कोशिश करते हो तो दूसरा वाला आपको और रोकता है, तो ये ट्रिक पता थी इसलिए मैंने तुम पे आजमा दी, सिंपल। तो
अयान कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तो कहती है यस आई एम स्मार्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी स्मार्ट। ओके अब तुम ऐसे गुस्सा ना करो माई क्यूटी पाई, चलो अंदर और चलो कुछ खाएंगे अच्छे से। तुमने कुछ नहीं खाया ना, तो कहते तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं, तो कहती फ़र्क पड़ता है अयान आई लव यू, बस थोड़ी सी डोमिनेटिंग हूँ और गर्लफ्रेंड सा लिटिल बिट डोमिनेटिंग होती है, चलो ना ऐसे कहे कि अयान को रागनी पटा लेती है। अयान ज़्यादा गुस्से वाला था नहीं और ज़्यादा इतना ओवर रिएक्ट करता नहीं था, नॉर्मल तरीके से वो भी चला जाता है। यहाँ पर सब लोग रहते हैं और ये रात वैसे ही बीत जाती है, सबके सब आते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तब सबसे पहले जो रागनी रहती है वो उठती है और फटाक से भागते हुए अमृता मैम के पास जाती है और अमृता मैम से बोलती है कि मैम आप जा रहे हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो, जिसमें अमृता बोलती है इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग में तुम भागते हुए आ रही हो, क्या हो गया अयान ने भगा दिया क्या? तो कहती है नहीं आप से बात करनी थी। तो वो कहती है कि आपने मुझे कल रात को मैसेज किया था ना कि मॉर्निंग में मुझसे मिलना। तो कहती है हाँ एक्चुअली मैंने ना चीज़ें हैं ये देखो यहाँ पर जो राठौर्स हैं इनसे तुम्हें बात करनी है, इनसे तुम्हें डीलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें लिस्ट ऑफ वर्क है, ये ऑन द एब्सेंस ऑफ माइंड आप तुम्हें हैंडल करना है और माया को हैंडल करना है। माया से तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना बिजनेस से रिलेटेड क्योंकि वो ज़्यादा तो ध्यान देगी नहीं, बट तुम्हें देना पड़ेगा। तो कहती है कि हाँ बट मैम तो मेरे साथ मीटिंग्स अटेंड कर लेगी, शायद करेगी शायद नहीं करेगी, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन एंड इफ देर इज़ अ वीडियो कॉल कन्वर्सेशंस देन मैं रहूँगी हमेशा, ओके डोंट वरी फॉर दैट। तो ये क्या के हो जाती है, अमृता वहाँ से जाती है और नंदिता से बोलती है कि तुमने पैकिंग कर ली, तो कहती है कि हाँ पैकिंग कर ली हम, यहाँ से सबके सब पूरी पैकिंग कर लेते हैं। जो हमारी माया रहती है वो रात भर सोई नहीं रहती है, उसे ना बहुत बेचैनी घबराहट सी होने लगती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है। तब एकदम से नव्या उसके पास आकर बोलती है माया तुम यहाँ मॉर्निंग में गार्डन की तरफ क्यों कर रही हो, क्या तुम सोई नहीं रात भर? तो माया कहती है नहीं दी मैं अभी तक नहीं सोई, दी नींद नहीं आती है मुझे, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तभी वो उसे बोलती है बच्चा घबराहट होने से कुछ नहीं होता है, समटाइम डर तो सबको लगता है बट जो रियलिटी है उसे फेस करना पड़ेगा। देखो जो होना है वो होकर रहेगा, उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं रोक सकती हूँ, हमें सिर्फ जो होने वाला रहता है उसका 1% आभास हो जाता है, पर हम नियति और किस्मत कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम हंस के रो, हंस के भुगतो या रो के भुगतो ये तुम्हारे ऊपर है, वीक होकर भुगतो या स्ट्रांग होकर उस चीज़ों को फेस करो ये तुम पर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मैं माया को जानती हूँ वो स्ट्रांग लड़की है और शुभांगी उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वहाँ पे माया हंसते हुए बोलती है कि नाना दी आप बहुत क्यूट हो पहले से ही, तो कहती है कि हाँ एंड कॉल मी नव्या नोबडी नोज अबाउट मी नाना, तो कहती है कि आई नो तो कॉल मी माया डोंट कॉल मी शुभांगी, तो कहती है ऑफ कोर्स यस। तो ऐसे करके सबके लाइफ के अलग अलग नेम हो जाते हैं तो सब उसी को एड्रेस करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सबके सब थोड़ा वक्त एक साथ बिताते हैं और अब वो जल्दी से मुंबई के लिए निकल जाते हैं, मुंबई के लिए सब लोग निकल जाते हैं अपनी कार्स वगैरह लेकर, सब मुंबई के लिए निकल जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जब मुंबई में जाते हैं तब पहुँचते हैं, जब मुंबई को क्रॉस करते करीब ये बहुत डे की जर्नी को पार करके जब पहुँचते हैं तभी वहाँ पे जॉर्ज को वो इंस्ट्रक्ट करती है कि सबको नव्या मित्तल हाउस से लेके चलो। तो यहाँ पर माया बोलती है कि नहीं मेरा घर वहाँ पर है, तो तभी वहाँ पर जॉन बैठा रहता है माया के साथ, तो वो कहता है कि मैम एक्चुअली जॉर्ज सर की इंस्ट्रक्शन है कि आपको मित्तल हाउस लेकर जाएं, एंड सॉरी टू से दैट कि मैं उनके चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ।
तो वो कहती है ओके। फिर वो फ़ोन लगाती है नव्या को, और नव्या को बोलती है कि नव्या हमें मित्तल हाउस क्यों जाना है। तो कहती है पहले पहुंचो फिर बताती हूँ। फिर ये लोग मित्तल हाउस पहुंच जाते करीब आधे एक घंटे की जर्नी के बाद, क्योंकि मित्तल हाउस भी थोड़ा सा मुंबई के ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर बहुत ला पॉश पॉश जगह नहीं रहती, वो थोड़ा सा शांत एरिया वहाँ पे रहता है। फिर वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो जैसिका, रागिनी, अमृता, नंदिता, अयान सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं वाओ व्हाट अ एंट्रेंस, इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा गार्डन, ओ माय गॉड, मुंबई में इतनी स्पेस है और है भी तो इतना बड़ा हाउस और इतना प्यारा गार्डन, आई एम शॉक्ड, बहुत ब्यूटीफुल है ये। माया भी देख रही रहती है। माया एकदम से जैसिका को बोलती है क्यों तुम्हें चेस्वाल हाउस नहीं पसंद है क्या। तो कहती पसंद है बट ये देखो ना, ये मित्तल हाउस कितना ज़्यादा अलग है, तुम्हें नहीं लगता है। तो कहती है कि हाँ है तो बहुत ब्यूटीफुल। एक्चुअली नव्या को यहाँ पे एक्चुअली माया को यहाँ पे थोड़ी सी जेलसी हो रही थी नव्या से, क्योंकि नव्या की जैसी जैसे तारीफ अगर जैसिका करती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। और पता नहीं क्यों, कहते हैं ना जब कोई इंसान प्यार में होता है तो ना चाहकर भी वो लिटिल बिट पसेसिव और लिटिल बिट जेलस हो ही जाता है, और यहाँ पे माया हो रही थी। अब जब अंदर जाते हैं तब आराम से सबके सब बैठते हैं, जिसमें माया बोलती है कि नव्या अब तो बताओ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी नव्या बोलती है बैठो तो सब लोग पहले। हाँ तो प्रोजेक्टर ऑन होता है, और प्रोजेक्टर ऑन होके बोलते हैं, प्रोजेक्टर जैसे ही ऑन होता है तब नव्या बोलना स्टार्ट करती है कि सुनिए, पहली बात आपको बुलाने का रीज़न ये था कि आप लोगों ने इतने अच्छे से ये जो रघु नाम का बंदा है इसे मारा है, तो इसको मारने के बाद उसी के रघु के खुद के फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी गुंडे हैं और जो अली के लोग हैं जो रघु को बहुत कुछ मानते थे, वो अब एक्चुअल में पूरे मुंबई में घूम रहे हैं उस इंसान को पकड़ने के लिए जिस इंसान ने ये हरकत करी है। और हरकत की बात में उन्हें कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्लूज ऑलरेडी मिल चुके हैं कि ये और किसी ने नहीं, जायसवाल इंडस्ट्री ने किया गया है। इसलिए जो भी जायसवाल इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया है। रागनी तुम भी जायसवाल इंडस्ट्रीज में काम करती हो और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं रघु से मिलता जुलता है, इसलिए तुम्हें भी पूरी सिक्योरिटी के गार्ड्स के साथ तुम ऑफिस जाओगी और वहाँ से वापस आओगी, और ये जो लोग रहेंगे ये सिविल ड्रेस में रहेंगे जो तुम्हारे बस एज अ एक जन तुम्हें वहाँ पर छोड़ने जाएगा कार से, उतरेगा एज अ तुम्हारा ब्रदर बनकर, और दूसरे लोग ऑलरेडी जायसवाल इंडस्ट्रीज में तुम्हारे एज अ सिविल ड्रेस में वहाँ पर एज अ कभी कुछ काम से आएंगे या कोई ना कोई वहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड्स ऑल टाइम रहेंगे, और जॉन जॉन भी हमेशा से वहीं पर रहेगा। तो जॉश बोलता है मेरे लोग ऑलरेडी रहेंगे और मैं भी इन लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा। तो जिसमें माया बोलती है कि नफ़िया इतना सब कुछ टाइट सिक्योरिटी, तो कहती है यस बिकॉज लोग तुम्हें टारगेट बनाने के लिए लगे हैं, और हम किसी को भी छोटी सी इजाज़त नहीं दे सकते ना कि कोई हम पर आकर वार करे और हम जस्ट वेलकम कर रहे हैं कि आओ आप वार करो, हमें भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ऑलरेडी जसवाल हाउस के बाहर कुछ बहुत से लोग पहले से तैनात खड़े हैं जहाँ पर मेरे लोगों ने मुझे पहले ही मुझे बता दिया गया था, पहले ही मुझे बोल दिया गया था कि मैम आप थोड़ा सा तैनात रहिए क्योंकि ये लोग पहले से ही हैं। तो आप उसकी फ़ोटोज अभी देख सकते हो, और एक आई एम जस्ट प्लेइंग अ वन वीडियो, तो एक वीडियो प्ले करती है तो उस वीडियो में दिख रहे रहते कि आजू बाजू वाले लोग बस बैठे हुए हैं तैनात तरीके से टारगेट बनाने के लिए कि जो आए जस्ट करने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ माया हाउस मैं जसवाल हाउस में लेकर नहीं गई माया।
थर्ड थिंग इज दैट कि हम सब लोग साथ में हैं, और साथ में हैं तो हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो हमें हमेशा से साथ में रह के वर्क करना पड़ेगा। और मेरी फैमिली को भी तुम्हें ध्यान रखना है, और तुम्हें आरा भी मेरी फैमिली को ध्यान रखना है। तो इसलिए एक साथ रहो, यहीं पर रहो और सिक्योरिटी से रहो। तो ये बोल देती है इतने अच्छे से। और जब ये चीज़ें वो सुनती हैं तो वो माया भी कहती है कि हाँ नव्या, ये सही बात है, आई एग्री विद यू। तो जिसमें आलिया कहती है कि अब एवरीवन इज एग्री, शाम की फ़्लाइट है नव्या, मैंने बुक कर दी है, हम सबको निकलना पड़ेगा। तो कहती है कि हाँ आप लोग यहीं रहिए, आराम से रहिए। तभी यानी बोलती है इतनी जल्दी जाना है आलिया। तो आलिया कहती है बेबी जल्दी जाऊँगी तो जल्दी वापस आऊँगी ना, फिर मैं अपने बच्चों और आपसे कैसे इतनी देर तक दूर रह सकती हूँ, बस थोड़े टाइम की बात है, मिशन कंप्लीट करके आऊँगी। तभी आलिया उसे हक करके बोलती है बेबी सेफली आना और प्लीज़ आ जाना वापस, मुझे डर लगता है। तभी आलिया जो रहती है वो एनी के फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है कि ऑफ़ कोर्स यार, मैं वापस आऊँगी, मुझे अब तो डेफिनेटली आना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए और अपनी बच्चों की मम्मी के लिए, क्योंकि ना मैं उससे दूर रह सकती हूँ ना अपने बच्चों से दूर रह सकती हूँ। तो कहती हूँ नव्या एकदम से बोलती है रिया तुम्हें ऑल टाइम एनी के साथ रहना है, तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट है, बट तुम्हें एनी का ख्याल रखना पड़ेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखना तीनों बच्चों का, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देके जा रही हूँ। तो जिसमें रिया कहती है ऑफकोर्स मैडम, नव्या का हर एक हुक्म सर आँखों पर, ऑफकोर्स वैसा ही होगा। तो तभी जैसिका कहते हैं कि हम लोग भी यहीं पर रहेंगे ना, तो जैसिका तुम तो घर के बाहर कदम रखोगी ही नहीं, क्योंकि तुम पहली पुलिस रिपोर्टर हो और जो ऑल द वे किसी ना किसी तरीके से माया से रिलेटेड है, और ऑल द टाइम तुम भी फंसने वाली हो, इसलिए जब तक कोई नहीं होता तो सबको घर पर ही रहना पड़ेगा। अयान और रागनी, अयान तुम तो फिर भी निकल सकते हो, और तुम्हें भी अगर छोड़ने के लिए जाना होगा तो बॉडी गार्ड्स जाएंगे, ऑल ऑफ दैम द सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सब लोग तो चेन्नई के लिए निकल ही रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी हम जब पहुंच ही चुके हैं तो पहले कुछ थोड़ा फ्रेश हो जाओ सबके सब। तो ये लोग सबके सब फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, बच्चों को संभालने के लिए रिया भी एनी का साथ देने लग जाती है। नव्या जॉश और आलिया रहते हैं, ये सब अपने स्टडी रूम पे जाते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं किस तरीके से चीज़ों को सही करना है, किस तरीके से चीज़ों को सही प्रॉपर तरीके में लेकर आना है, हर एक चीज़ को एक काफ़ी अच्छे से सोच रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे नॉक नॉक होती है और अमृता और नंदिता आते हैं। तभी वो बोलते हैं मैम अगर हमें भी तो आपको मिशन में शामिल करना पड़ेगा। तो कहते हैं, तो तभी आलिया एकदम से बोलती है कि बता देते हैं ना बच्चों को, अभी इनको नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। तो कहते हैं ठीक है, सुनो प्लान कुछ इस तरीके से है, और वो पूरा प्लान उसको डिस्कस कर देते हैं और बता देते हैं। तो जिसमें एकदम से अमृता कहती है ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस और रिस्कफुल आपका प्लान है, इसमें तो बहुत डेंजर है। तभी आलिया खड़ी होकर बोलती है कि हमारे मिशन में तो हमेशा से ही डेंजर रहता है, और फिर वो इंसान क्या जो खतरों से ना खेले, हम तो पैदा ही खतरों से खेलने के लिए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट टाइम आई हो ना, इससे तुम इतना डेंजर लग रहा है, बल्कि नॉर्मल है। तभी वो कहते कि आपके बदले और कोई नहीं जा सकता क्या, तो कहती कोई नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे जब उसी दिन ये लोग फ्लाइट्स पकड़ते हैं और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ये लोग मिशन के लिए वहाँ निकलते हैं तो चेन्नई में जाकर सबसे पहले वो अपना एक होटल्स रूम लेते हैं और वहाँ पर जाकर सबके सब बैठ जाते हैं। ये लोग एक बहुत बड़ा सा बोलते हैं ना पेंट हाउस टाइप का वो लेते हैं, जिसमें एक साथ छहों के पांच लोग एक साथ वहीं पर आराम से रह सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर्स रहते हैं और एक बहुत टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप्स रहता है। जो लैपटॉप रहता है वो तो हमारी दो लैपटॉप्स होते हैं, एक आलिया के पास रहता है और एक नंदिता के पास रहता है। नंदिता और अमृता दोनों कंप्यूटर्स में बैठ के पूरे तरीके से तैनात होते हैं।
एक्चुअली उन लोगों को एक काम दिया जाता है जिस काम के लिए वो पूरे फोकसली उसको काम कर रहे थे। अब दूसरी बात आती है कि अब अगर जंगल में जाना है शेर को मारने के लिए, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि शेर तुम्हारे पास खुद वापस आए, तो एक बकरी को तुम्हारा रखना ही पड़ता है ना। तो वो बकरी और कोई नहीं, आलिया रहती है, पर कभी कभार बकरी भी शेर को मार सकती है, ये वो वाला किस्सा होने वाला है। तो जिसमें जो आलिया रहती है वो एक पार्क में बैठी रहती है और हेडफोन्स लगाती है, बहुत जो बड़े वाले हेडफोन्स आते हैं, हुड पहनती है, हेडफोन्स लगाती है और वहाँ पे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ कर रही रहती है और एकदम से चलाती है, यस आई डिड इट, आई यस आई डिड इट। ये एक्चुअली वो वाला पार्क रहता है जिस पार्क में जो अली रहता है वो रोज आता है वहाँ पर। अब जब अली आता है वो अलग अलग भेष में बदलते हुए आता है और ये बात माया भी जानती है, जॉश भी जानता है। तो माया और जॉश भी अपने हेडफोन्स लगा के वहाँ पर वॉक पे लेके उस पर नज़र रखते हैं। तो तभी वो एक बार आता है और एकदम से वो वहाँ पे वो बैठा रहता है और वॉक करके जैसे ही बैठता है तभी वहाँ पर उसको एकदम से फ़ोन आता है कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो पूरी के तरीके से हैक हो चुकी है और हमारे अकाउंट में अब 0 बैलेंस है। तभी वहाँ पर जो नव्या रहती है वो आलिया के पास आके बोलती है कि थैंक यू मैम, ये लीजिए आपके पैसे, आपने मेरा काम कर दिया, उसके लिए रियली रियली थैंक यू। वहाँ पर जो अली रहता है वो बैठा हुआ रहता है और वो उसकी तरफ देखता है। तभी वहाँ से एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जैसा तुमने डिमांड करी थी, लो 10,000 रुपये। और मैंने बोला था ना कि मेरा अकाउंट को हैक कर दो, बस मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, मेरे पापा का अकाउंट हैक करके कर दो। तो यहाँ पे जो जॉश रहता है वो ये सब चीज़ें प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे अली को पता चलता है कि लड़की है और जो हेडफोन्स लगाई है बिल्कुल मॉडर्न की तरह, वो हैकिंग बहुत अच्छे से जानती है। तभी वहाँ से अली उठकर आता है और आकर बैठता है बाजू में, कहता है कि वो बहुत अच्छे से बोलता है, हेलो मिस। तो वो टर्न होके बोलती है, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें कहा है क्या बैठने के लिए, उठो यहाँ से उठो, ये मेरी प्राइवेट स्पेस है, मैं हमेशा से यही बैठती हूँ, नोबडी वॉज अलाउड टू सिट साइड ऑफ मी। आलिया एकदम से चिल्लाती है। तभी वो एकदम से खड़े होकर बोलता है, ओके सॉरी मैम। वहाँ पे नव्या भी खड़ी रहती है और जॉर्ज भी वहाँ पे खड़ा ही रहता है। तभी वो कहता है कि मैम आप हैकिंग करती हैं, आप हैकिंग जानती हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं हैकिंग जानती हूँ, क्यों तुम्हें भी कुछ हैक कराना है क्या, लेकिन सुनो मेरे हैकिंग का बहुत बड़ा रेट है, मैं ऐसे फ्री में हैक नहीं करती हूँ। तो वो हंसते हुए बोलता है, मैम जितने पैसे चाहिए उतने हैक उतना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले आपकी हैकिंग स्किल्स देखनी पड़ेगी, या तो ये सिर्फ पचकानी वाली हैकिंग जानते हो या फिर कुछ हाई लेवल का भी जानते हो। तो वो कहता है कि किस चीज़ को हैक करना है पहले तो तुम ये बताओ। तो यहाँ पर जो आलिया के साथ कॉल पर ऑलरेडी मतलब एक साइड पे उसका जो हेडफोन रहता है, उस हेडफोन पे वो गाने नहीं सुन रही रहती, वो एक्चुअली कॉल पे बात कर रही रहती है नंदिता और अमृता से, मतलब दोनों से एक ही टाइम पे कोऑर्डिनेट करती है। तभी वो बोलती है कि क्या हैक करना है। तो वो बोलता है कि मैं एक अकाउंट दे रहा हूँ, बैंक अकाउंट, अगर तुम उसे हैक कर दी तो मैं तुम्हें एक मिशन में लेकर जाऊंगा और उस मिशन के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जितना मांगोगी, अगर फॉरेन करेंसी पे भी मांगोगी मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन अभी तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम हैक कर सकती हो कि नहीं। तो वह हंसते हुए बोलती है कि पहले तुम बताओ किसका अकाउंट हैक करना है, और सुन ये पुलिस वुलिस के लफड़े में अगर मुझे फंसाया ना तो तेरे पैसे वैसे तू ही रख, पहले मेरे को बता कि किसका अकाउंट हैक करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि पुलिस का वुलिस का अकाउंट हैक करेगा। तो जो आलिया की वे ऑफ टॉकिंग रहती है ये थोड़ी सी टपोरी टाइप, एकदम रूड टाइप की, एकदम जिस तरीके से उसका नेचर रहता है वो यहाँ पे पूरा पोर्ट्रेट अलग कर रही रहती है। तो वो एकदम से ऐसे बोलती है, बताना देख देखो काम है तो फिर बता फिर। तो कहता है, अरे मैम मैं आपको ऐरा गैरा दिखता हूँ क्या, दिखता नहीं है कि मैं रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे एक मिशन के लिए आप चाहिए और मेरा मिशन बहुत बड़ा मिशन होता है, आई एम अ बिजनेस मैन। तो कहता है, तो बिजनेस मैन होके भी तू हैकिंग कर रहा है, काय का बिजनेस मैन है, तेरे पास पैसे नहीं है क्या जो तू मेरे साथ हैकिंग करवा रहा है मुझसे, और बोल रहा है बिजनेस मैन हूँ, काय का बिजनेस मैन। आलिया ऐसे रूड तरीके से बात कर रही रहती है। तभी वो बोलता है, सुनो
मैं हैकिंग स्किल्स चेक कर रहा हूँ, ये रहा अकाउंट, इसे हैक करके दिखाओ। तो ये कहता है ये अकाउंट किसका है पहले तो तू ये बता। तो कहता है तुम्हें हैकिंग आती है ना, तुम फाइंड आउट कर लो कि किसका है। तो यहाँ पर जो आलिया रहती है वो फटाफट वो नंबर्स डालती है और वो फटाफट वो जो नंबर कर रही रहती है उसकी चीज़ें एक्चुअली ये नंदिता के पास भी जा रही थी, अमृता के पास भी जा रही थी और उनके स्क्रीन में। तो दोनों हैकिंग कर रहे रहते हैं। जब हैकिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो उसे यहाँ से अमृता उसे बताती है कि ये अकाउंट इसके खुद का है, मतलब ये अकाउंट एक कंपनी का है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी खुद की कंपनी है। रुको मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन तुरंत निकालती हूँ। फिर वहाँ से वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालती तो कहती कि अली के नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब ये अकाउंट इसका खुद का अकाउंट है जो आपसे हैक करा के सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी स्किल्स अच्छी है कि नहीं। तभी वहाँ से अमृता ये बताने के बाद नंदिता बोलती है कि मैम इसकी हैकिंग बहुत ज़्यादा हाईली है, मैं यहाँ से हैक करने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी लगाई है। मैम इसे सिर्फ आप ही हैक कर सकती हैं, बट प्लान बी के पॉइंट से, प्लान ए जो रहता है वो सिंपल हैकिंग रहती है, लेकिन प्लान बी की हैकिंग मींस एक दूसरा तरीका होता है जिसके थ्रू हैक करने का। जैसे वो ये सुनती है वो फटाफट हैक करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर जो ऑलरेडी नंदिता रहती है वो उनकी हैकिंग चीज़ें देख रही रहती है। वो देखती है कि आलिया मैम का दिमाग बहुत तेज है, मतलब जिस तरीके से वो हैक कर रही रहती हैं, यहाँ नंदिता वो सीखने की भी कोशिश कर रही रहती है पर कर नहीं पाती क्योंकि उसने बोला था कि वो सिखाएगी, पर वो देखती रहती है। और यहाँ पर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सब बोलती है कि अमृता प्लीज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, इतनी इतनी पावरफुल कोड को वो इतने आसानी से हैक कर रही हैं इतनी सेफ्टी तरीके से, ये चीज़ मुझे तो सीखनी ही चाहिए। और थोड़ी देर हो जाती है जिसमें उसके करीब 10 से 15 मिनट तक अली भी बैठा रहता है और जो नव्या और जॉर्ज रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, एकदम कोने में वहाँ बैठे रहते हैं, वो चुपचाप बैठ के देख रहे रहते हैं और सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहे रहते हैं। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में तो सभी रहते हैं बट ये लोग म्यूट मोड पे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो डन बोल के बोलती है कि ये है तुम्हारा अकाउंट, मैंने तुम्हारे अकाउंट के अंदर घुस गई हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे अकाउंट के अंदर कैसे घुस सकती हो और घुसना क्या है लो, और वो ऐसे एक बटन दबाती है और पूरा हैक कर लेती है। और हैक करने के बाद वो इसके मोबाइल को भी ट्रेस कर लेती है, मोबाइल को भी हैक करती है, वहाँ से OTP भी ले लेती है और सब कुछ करने के बाद अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लेती है और बोलती है देखो तुम्हारा अकाउंट मैंने निल कर दिया। तो वो कहता है ओ माई गॉड हाउ कुड यू डू दैट। तो वो कहता है कि एवरीथिंग इज डन बाय मी। तो वो कहता है कि तुमने मेरा मोबाइल का ये सब कैसे लिया। तो वो कहता है कि मैंने तो कर दिया ना, लो अब तुम बताओ कि क्या मैं पास हूँ। तो कहता है पहले मुझे मेरे पैसे रिटर्न तो दो। तो कहता है हैकिंग का रूल होता है कि एक कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं होती है, पहले मेरे को मेरे पैसे दे हाथ में तो मैं तेरे पैसे वापस करूँगी। तो जिस तरीके से आलिया का ये नेचर होता है कि वो बताती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए काम करती हूँ, जबकि उसका मोटिव अलग रहता है, बट ये मोटिव वो किसी को बताना तो नहीं चाहती थी ना। तो तभी वहाँ से अली बोलता है ठीक है दो मिनट रुको। फिर अली अपना जेब में हाथ डालता है और नोटों की गड्डी निकालता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, हैकिंग मैंने तेरा अकाउंट की बहुत करी है, तेरा अकाउंट में बहुत पैसा है, तू क्या मुझे 10 और 20 हज़ार रुपये दे रहा है, कम से कम 50,000 से कम नहीं लूँगी तब जाके करूँगी। थोड़ी देर में वो कहता है अरे तो तुम मेरे लाखों रुपए 50,000 के चक्कर में दोगी। तो कहते हैं हाँ पर पहले 50,000 रुपये ला कर दे। थोड़ी देर में वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है मीन्स उसका, और वो आता है बंदा और वो उसको बोलता है ले 50,000 रुपये। तो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो एक बटन दबाती है और जिसकी वजह से उसके अकाउंट में पूरे पैसे आ जाते हैं। ये देख कर अली तो काफ़ी इम्प्रेस होता है और लड़की जिसने कोई भी छोल माल कुछ भी नहीं किया रहता है बाजू में बैठे रहते हैं, एक्चुअली उसने ये बोला रहता है कि उसने मोबाइल को भी हैक कर दिया, जबकि एक्चुअल में उसने मोबाइल को हैक नहीं किया रहता, उसका जैसी OTP आया रहता और उस समय मोबाइल एक्चुअली ओपन रहता, तो जैसी OTP एकदम से फ्लैश होता है वो एकदम से देख लेती है और फटाक से OTP डाल देती है, जिस तरीके से उसके अकाउंट के सारे पैसे इधर हो जाते हैं। हाँ लेकिन उसने बहुत बहुत प्यार से और सेफ्टी के तरीके से उसने क्रैक किया रहता है, वो फायर वॉल को क्रैक करना आसान नहीं रहता है। जब नेक्स्ट टाइम वो रेडी हो जाता है तो कहता है चल तुझे मैं अपने मिशन पे लेके जाता हूँ। और वहाँ पर जो करेंसी को हैक करके
रोक कर रखी रहती है ट्रांजेक्शन्स, और इन लोगों ने एक डमी अकाउंट में जाके वो पूरी क्रिप्टो करेंसी को डाला रहता है, वो सब भी आलिया ने कोडिंग करी रहती है। बट उसको सही तरीके से करना, उसे बार बार मेंटेन करना, ये सब नंदिता को इसलिए इतना बड़ा कंप्यूटर वगैरह दिया रहता है कि तुम मैनेज करो, लैपटॉप्स वगैरह स्क्रीन लगा के दिए जाते हैं, और एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होती है। अब इस तरीके से जो आलिया है वो एक्चुअली अली के अंदर, मतलब अली का जो पूरा बिजनेस होता है उसके अंदर तो घुस चुकी है, लेकिन अब अपना बदला कैसे लेगी और कैसे उसका मर्डर करेगी, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।